नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। चाइना की दोस्तों नज़र लद्दाख पर पूरी तरीके से गड़ी हुई है और करीबन 2.5 साल हो चुके हैं चाइना लद्दाख में अभी भी गतिरोध करके बैठा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है चाइना का, और चाइना ने अब यहां पर रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल चाइना की ये जो रेलवे लाइन है वो शिनजियांग होते हुए तिब्बत तक आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीनी रेलवे नेटवर्क है वो अक्साई चीन में भारत से सटे LAC के बेहद करीब होकर गुजरेगा। दरअसल चीन का रेलवे नेटवर्क का जो पहला फेज है वो साल 2025 तक पूरा हो जाएगा, और ये शिगास्ते से होकर पख्तूस तक जाएगा, और बाकी की जो रेलवे लाइन है वो होटन तक जाएगी, और ये पूरा प्रोजेक्ट 2035 तक पूरा होगा। वहीं कुछ रिपोर्ट में एक खबर भी सामने आई है कि चाइना की ओर से तिब्बत के लिए मीडियम और लंबी दूरी की रेलवे योजना का पिछले हफ्ते ही इसकी घोषणा की गई थी, और इस रेलवे लाइन को 1400 किलोमीटर से बढ़ाकर साल 2025 तक 4000 किलोमीटर तक पहुंचाने की योजना है। चाइना का ये जो नया रेलवे नेटवर्क है वो नेपाल और भारत की सीमा के पास से होकर भी जाएगा, और सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना चाइना की है वो मैंने अभी आपको बताई भी थी कि शिनजियांग तिब्बत रेलवे लाइन को आपस में कनेक्ट करना, और ये जो रेलवे नेटवर्क है वो G219 नेशनल हाईवे के पास से होकर गुजरेगा। दोस्तों अक्साई चीन से होकर गुजरने वाले शिनजियांग तिब्बत हाईवे ने भारत और चीन के बीच काफी तनाव पैदा कर दिया है, और ये जो चाइना की नई रेलवे लाइन है वो तिब्बत में शिगास्ते से शुरू होगी और उत्तर पश्चिम में नेपाल बॉर्डर से होकर जाएगी। ये अक्साई चीन से होकर भी गुजरेगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और होटान में खत्म होगी। ये प्रस्तावित रेलवे लाइन अक्साई चीन के रोहतक और चीन के इलाके में पैंगोंग झील के पास होकर गुजरेगी, यानी कि पैंगोंग के पास में चाइना रेलवे नेटवर्क ला रहा है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2025 तक कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में प्रगति भी हो सकती है। साथ ही चाइना ने कहा है कि जो रीजनल रेलवे नेटवर्क है उसमें भी वो सुधार करेगा ताकि राष्ट्र की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता किया जा सके। वर्तमान में चाइना में 3 रेलवे लाइन है, जिसमें कि ल्हासा न्यांगची रेलवे लाइन तिब्बत के दक्षिण पूर्व में भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास से होकर गुजरती है। इस रेलवे लाइन को चेंगदू तक बढ़ाया जाएगा जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है और बड़ा आर्थिक और सैन्य केंद्र भी है। यही नहीं दोस्तों, चाइना नेपाल से भारत और भूटान के पास अपने रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। इससे दोनों ही चीनी प्रांतों की राजधानियों के बीच की दूरी घटकर 12 घंटे तक हो जाएगी, जो कि अभी 36 घंटे हैं। इस प्लान के मुताबिक बॉर्डर रेलवे लाइन अब योरोंग तक बनाई जाएगी, जो कि नेपाल और चीन के बीच लैंड पोर्ट है। ये चुंबी घाटी में यादोंग काउंटी तक जाएगी, जो भारत के सिक्किम और भूटान की सीमा के पास है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इस विशाल रेलवे लाइन के जरिए सीमाई इलाकों को आपस में जोड़ देगा, जिससे चाइना को सीमा पर एक बड़ी बढ़त मिल जाएगी। इसके साथ ही तिब्बत को चीन के मुख्य इलाकों से आर्थिक रूप से भी जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पर चाइना की एक बहुत बड़ी मंशा सामने आ चुकी है। जो चाइना रेलवे नेटवर्क है उसे किस तरीके से पैंगोंग झील तक चाइना ले जा रहा है, इसके अलावा भारत के अरुणाचल प्रदेश, भूटान सीमा, नेपाल सीमा, इन सब तक वो रेलवे नेटवर्क को ला रहा है। हालांकि भारत भी इस प्रयास को देख रहा है, और भारत ने भी काफ़ी सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर शुरू किए हैं, जिसमें कि भारत का फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो कि 27,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। इससे भारत की भी सीमा पर चाक चौबंद मजबूत हो जाएगी, और यही नहीं भारत का रेलवे नेटवर्क भी बनना शुरू हो चुका है LAC के करीब। तो यहाँ पर चीज़ें चाइना को भी समझ में आती है और भारत को भी आती है, लेकिन चाइना की गति काफ़ी तेज है, हम थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, लेकिन चाइना को ये बात मालूम है कि भारत ने जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रोड और रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया है, वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में होगा, यानी कि चुनौती अब चाइना को भारत से मिलेगी। तो चीज़ें बिल्कुल साफ है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।